हिंदू छात्रा को पीतल का हिजाब पहनाने की धमकी देने वाला दानिश योगी का चाबुक चलते ही गिड़गिड़ाने लगा, अब कहने लगा माफ कर दो। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। कल ही हमने आपको दिखाया था कि कैसे एमयू का छात्र एक हिंदू लड़की को हिजाब पहनाने की धमकी दे रहा था, वो भी पीतल वाला। उसके बाद अब वो माफी मांगता नजर आ रहा है, वो फोन कर गिड़गिड़ाने लगा है, वो कहने लगा है बहन माफ कर दो, गलती हो गई, मेरा परिवार भी हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता है। दरअसल वेबसाइट ऑफ इंडिया के मुताबिक छात्रा ने कहा कि उसने उस लड़के के बर्ताव पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, तब उस लड़के ने खुद उससे संपर्क किया और माफी मांगने लगा। छात्रा के अनुसार उसे पक्का तो नहीं मालूम, मगर लड़का उससे बात करते हुए डिप्रेशन में लग रहा था, जिसे सुनकर उसने लिखित में भी माफी मांगी है। दरअसल देश के जाने माने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदू छात्र छात्राओं के साथ कैसा व्यवहार होता है, इसको लेकर हिंदू छात्रा ने ट्वीट किया था। इसमें उसने हिंदू लड़कियों को एएमयू के हॉस्टल में जबरदस्ती खुद को ढक कर रखने का दबाव डाले जाने की बात कही थी। छात्रा के इस ट्वीट के बाद एएमयू के एक छात्र ने धमकी भरा रिप्लाई भी किया। उसने कहा इंशाल्लाह आपको भी हिजाब पहनाया जाएगा, वो भी पीतल वाला। बस इसके बाद छात्रा ने शिकायत की, मुकदमा लिखा गया और अब उस छात्र की माफी मांगने की बात सामने आ गई, जिसका नाम दानिश है। इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कहा था, जरा वो भी आप सुन लीजिए। थाना सिविल लाइन अलीगढ़ पर एएमयू की एक छात्रा द्वारा लिखित में शिकायत दर्ज कराई है कि उसको सोशल साइट पर एएमयू के एक छात्र द्वारा जबरदस्ती हिजाब पहनाने की धमकी दी जा रही है और उसके साथ अभद्र व्यवहार और भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं। इस सूचना पर आईटी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है, इसकी विवेचना की जा रही है। हाँ, वो एएमयू का छात्र है और उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अलीगढ़ की मेयर ने भी लड़की पर सवाल उठाते हुए पुलिस से अपील की थी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और अगर ऐसी भाषा यहाँ चलानी है तो यहाँ पर नहीं चलेगी बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में चलेगी। वो पीतल का पहनाएगा तो हम भी लोहे का पहनाना जानती है, ये दिमाग में रख ले। ये शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा के मंदिर में राजनीतिक खेल ना खेलें। पाकिस्तानी सोच के अनुसार यहाँ इस्लामिक हिजाब हिंदू बिटिया को नहीं पहनाया जाएगा, मनमानी नहीं चलेगी यहाँ पर। ये कौन सा तरीका है भाई, अगर यही सोच है तुम्हारी, पाकिस्तानी सोच है, तो पाकिस्तान चले जाओ। इस छात्र की इस गलती के बाद आखिरकार एएमयू के जो छात्र हैं, संगठन हैं, मौलाना है, मौलवी हैं, वो भी क्या कहते नजर आए, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये कानून मुसलमानों के लिए है, यानी कोई भी लड़का लड़की मुसलमान अगर है तो वो एक दूसरे के बारे में ये कह सकते हैं, लेकिन हिंदुओं पर और दूसरे गैर मुस्लिमों पर इस्लाम का कानून नाफिज नहीं होता। स्पष्ट शब्दों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के समस्त छात्रों को चेता देना चाहते हैं कि इस प्रकार की अपनी घटिया गंदी और नीचता पूर्वक जो मानसिकता है उसको बदल लें, अन्यथा की स्थिति में हमें बदलने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। हम लोग बहुत स्पष्ट शब्दों में बहुत क्लियरली कह देना चाहते हैं, अलीगढ़ पुलिस प्रशासन ऐसे उपद्रवी और हिंदू बहनों के साथ उत्पीड़न करने वाले, उनको हिजाब पहनाने की धमकी देने वाले छात्र को तत्काल गिरफ्तार करें। तो आपने देखा आखिरकार लोगों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया रखी थी और उसके बाद दबाव इतना बना कि छात्र ने हालांकि माफी मांग ली है, लेकिन सवाल यह है क्या सिर्फ माफी से काम चल जाएगा या फिर पुलिस को कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय रखिए और एडवाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।